जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत भाई दूज पर बहन से टीका लगवाने गए भाई की हत्या करने की नीयत से चार पांच हमलावरों ने तलवार से दनादन वार कर दिए और उसे मरणासन में पहुंचा दिया और जमकर गाली गलौज कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू की है। बताया जा रहा है कि शिवा विश्वकर्मा शीतला माई घमापुर का निवासी है, जो दरमियानी देर रात अपनी बहन के यहाँ इमलिया मोड़ पर सुरेश कोरी के यहाँ भाई दूज का टीका लगवाने गया था। तभी वहां आकाश राजपूत अपने तीन चार साथियों के साथ पहुंचा और कहा कि संगम कोरी से क्यों विवाद कर रहे हो। वह कुछ कह पाता इसके पहले ही आरोपियों ने लात घूसों से जमकर मारपीट कर दी और जब इतने से मन नहीं भरा तो तलवार से सिर में ताबड़तोड़ वार कर मरणासन्न कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों के ठिकानों में दबिश दे रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि दो परिवार आपस में झगड़ा कर लिए हैं, जिसमें आकाश राजपूत अपने नरेश बर्मन के साथ हिमलिया मोड़ पर आया, तो वहाँ पर अपनी ससुराल में आया तो शिवा विश्वकर्मा शीतला माई का रहने वाला, हितेश विश्वकर्मा भी शीतला माई का है, सुरेश कोरी के घर आए थे टीका करवाने के लिए। इसी बात पुरानी बात को लेकर विवाद किए तो आकाश राजपूत और चंदन कोरी नरेश बर्मन ने मिलकर शिवा को तलवार से वार किया, उसको चोट आई है, वह भी मिराज हॉस्पिटल में भर्ती है और दो लोगों की इसमें अभिरक्षा में ले लिया, चंदन कोरी और नरेश बर्मन, और आकाश राजपूत की अभी गिरफ्तारी शेष है तो उसको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।